हाय फ्रेंड्स, मैं विभास कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल विभास ट्यूब पर स्वागत करता हूं। आज हम 65वीं बीपीएससी प्री के क्वेश्चन का डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका 66वीं बीपीएससी के लिए एनालिसिस करेंगे। 65वीं बीपीएससी में कहां कहां से क्वेश्चन लिया गया है और 66वीं बीपीएससी में कहां कहां से क्वेश्चन लेने की संभावना है, हम इसे भी देखेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है और 66वीं बीपीएससी के लिए किस किस सब्जेक्ट का स्टडी करना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले तो ये शुरू करते हैं कि 65वीं बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है विथ आंसर, और यह याद रखिएगा यह आंसर बीपीएससी द्वारा दिया गया आंसर की है, जिसे हम अभी देखने वाले हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? याद रखिएगा इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक ये सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो ऑप्शन दिया गया है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसलिए आंसर ई आपका ऑप्शन होगा, यानी कि आंसर ई इसका सही है। निम्नलिखित में से किस का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? इसमें ऑप्शन आपका ग्राम पंचायत आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? यह है पटवारी, यानी कि पटवारी, और ये पटवारी बिहार हरियाणा और एमपी में जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है उसको पटवारी बोलते हैं, जबकि यूपी में यही काम लेखपाल करता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा इनमें से कौन सही नहीं है, इसमें से आंसर सी आपका ऑप्शन होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श, क्योंकि यह त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, कानून की एकरूपता ये भी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना ये भी है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना ये भी है, और ये योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ये तीनों इसका आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आम आदमी पार्टी इनमें से क्या है? यह राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी और पंजीकृत पार्टी है, यह राज्य पार्टी है, और जो राज्य पार्टी होता है ये क्षेत्रीय पार्टी भी होता है, इसलिए इसका आंसर भी ई होगा एक से अधिक। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? याद रखिएगा सबसे अधिक नहीं पूछा, इनमें से किसकी अधिक है, इनमें से हिमाचल प्रदेश का अधिक है, वह 68 है, बाकी ये तीनों का 60, 60 और 60 है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है या उत्प्रेषण को कहा जाता है? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यह संस्करण M3 है, याद रखिएगा, और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? इसमें यूपीएससी का अध्यक्ष फर्स्ट पढ़ाता है इनमें से। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह जीडीपी से संबंधित है, और इसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने प्रतिपादित किया था।
बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह मोतिहारी में हुआ है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? यह 32.11 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? यह 935 है। और आपको बता दूं कि जनगणना 2011 से बीपीएससी 65वीं एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे एक जानने वाले स्टूडेंट को बीपीएससी में प्री में 4 मार्क से प्री क्लियर नहीं हुआ है और ये चारों क्वेश्चन जनगणना से उसे गलत उन्होंने करके आए हैं। अब सोचिए कितना छोटा सा टॉपिक है जनगणना और उससे बीपीएससी में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 65वीं बीपीएससी में और 64वीं बीपीएससी में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये याद रखिएगा। इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है और उसे तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ से भी हो उसे पढ़ करके 66 बीपीएससी में ज़रूर जाइएगा। और यदि आपको दूसरी जगह से कहीं से सोर्स बताना हो तो मैंने जनगणना 2011 के ऊपर 2 वीडियो बना रखा हूँ, उनमें से कम एक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, बिहार और भारत, जनगणना 2011 बिहार एंड भारत। चलिए देखते हैं आगे। वर्ष 2017 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी वो 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? इसका ये ऑप्शन है आपका 4,87,628 करोड़। बिहार में इस टाइप की 2 डिजिट पूरी पूछा गया है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगला वीडियो जो एक बिहार स्पेशल लेके आ रहा हूं बिहार करंट अफेयर्स का 66वीं बीपीएससी के लिए उसे मैं इस टाइप की सारे क्वेश्चन को कवर करके लेके आऊँगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? यह राजस्थान में शुरू किया गया था। और आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था भी सबसे पहले राजस्थान में ही शुरू हुआ था। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी लगभग 3% थी। ये 3 आंसर है आपका। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह रैयतवारी प्रथा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षित भंडार में है, यह है 28,55,882 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इसका आंसर ये होगा EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3,000 प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रह ही विनोबा भावे थे जबकि दूसरी सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? और इंडिया हाउस को ही भारत भवन भी कहते हैं, उसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह था महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह राहुल संस्कृत्यायन जी ने किया था। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? रखा राम गणेश देवस्कर ने। याद रखिएगा
इसे बंगाल का तिलक भी कहा जाता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 65वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में बुक और उस राइटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम आगे चल करके आपको इसमें एक एक करके दिखाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन, जिसमें 4 तो बुक और राइटर से डायरेक्ट रिलेटेड है और एक समाचार पत्र न्यूज़पेपर से हैं, कि न्यूज़पेपर का संपादक कौन है, बिहार हेराल्ड के। तो याद रखिएगा कि अगले एग्ज़ाम के लिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो आपको जनगणना हो गया, जनगणना ज़रूर पढ़ के जाइए। मेरा सिर्फ एक 20 मिनट का वीडियो है, यदि आप 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए 4 मार्क्स आपकी पक्की 66वीं बीपीएससी में। और साथ ही बुक और राइटर, कुछ बुक और राइटर जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, सारे तो पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए मैं अपना अगला वीडियो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी बुक और राइटर के नाम पूछे गए हैं, साथ ही अदर एग्ज़ाम में पूछे गए बुक और राइटर के नाम का एक कलेक्शन लेकर के आ रहा हूँ, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। इसके देखने से इतनी थी पक्की है कि आपको 5 से 6 मार्क 66वीं बीपीएससी में सिर्फ एक वीडियो 30 मिनट से आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। देखिए यहीं आ गया आपका, इसका आंसर ई है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है सर्च लाइट के संपादक हैं। सर्च लाइट के पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन और दूसरे संपादक थे महेश्वर प्रसाद। और सर्च लाइट का संपादक स्टार्ट संपादकी शुरू हुआ था 1918 में, ये भी याद रखिएगा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया है और उसके सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण भी, लेकिन जयप्रकाश नारायण यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फूलन प्रसाद वर्मा आंसर होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? स्थापना संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने किया है? एक अंग्रेज ऑफिसर थे A.O. ह्यूम ने, जो 1885 में इसका स्थापना किया है। एक चीज़ और आपको बताने देना चाहता हूँ, 65वीं बीपीएससी में जो ट्रेंड थे, जिसमें गठन, स्थापना और संस्थापक, इन टॉपिक से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी एक भीड़ी भीड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस 65वीं बीपीएससी को, इससे उम्मीद ये किया जा सकता है कि 66वीं बीपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए जहाँ से भी आपको हो सके आप संस्थापक और स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। वैसे मैं भी एक वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये तो आप सब जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी न्यायभूत उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को दिया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? C.R. दास। देखिए अभी मैं आपको बताया था कि 5 बुक और उसके राइटर का नाम पूछे, इसमें 2 तो आपके मिल गए, एक इंडिया फॉर इंडियंस यहीं पर है, उसको C.R. दास ने। दूसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने। ये भी अभी मैं जस्ट बता चुका हूँ आपको कि स्थापना से रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से एक ये भी है, ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए इस पर भी एक बात बताऊँ, 65वीं बीपीएससी का एक ये भी ट्रेंड था कि प्रथम, याद रखिए, प्रथम महिला हो या प्रथम हॉस्पिटल हो, फर्स्ट से रिलेटेड या टॉप, इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं, जबकि 65वीं बीपीएससी में यह यहाँ से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसलिए
इस टॉपिक को भी जरूर लेके याद रखिएगा। आप लोग ट्रेडिशनल टॉपिक जो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट महिला कौन है, लास्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा क्या है, इस चीज़ को तो आप लूसेंट या अदर बुक से पढ़ रहे होंगे। साथ ही मैं उसका एक वीडियो जस्ट लेके आने वाला हूँ जिसमें फर्स्ट और सबसे बड़ा जो रिसेंट घटना हुआ है, रिसेंटली अभी अभी हुआ है कुछ ही दिन के रीजन में, मैं वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आपको इसी बीपीएससी की पैंसठवीं में जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं उसी में आपको आगे चल के मिलेगा कि ऊँट के लिए हॉस्पिटल, फर्स्ट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, वो रिसेंटली घटना हुआ है, कोई ट्रेडिशनल नहीं है, इस टाइप का एक जगह कलेक्शन नहीं है। मैं उसका एक कलेक्ट करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट बन लेकर के आऊँगा। और आप लोग यदि ये वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास आसानी से पहुँच जाए। साथ ही 10 मैथ के क्वेश्चन हैं, मैं फ़िलहाल आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर उनका क्या आंसर है। मैंने इसके लिए अभी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन और जो अलग अलग टाइप के जो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सारे को मैं लेकर के आऊँगा। फिर देखते हैं 41 का आंसर आपका सी है, 39/4, और 43 का आंसर ए है, 125। नेक्स्ट है 42 का आंसर है आपको 4, 44 का आंसर है 6 सेकेंड, 45 का आंसर है 9, 48 का होगा 63, 46 का है सी 2.25:1, 49 का होगा 5 सेंटीमीटर, 47 का है 8 घंटे, 50 का है 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है। देखिए तीसरा पुस्तक आपको जस्ट मिल चुका है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का बुक है, डार्विन ने ये बुक लिखे हैं और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही फेमस बुक है उनका। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, इसे म्यूटुअलिज्म कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। इसके आंसर बहुत जगह आवास दिया है, आप नेट पर भी सर्च मारिएगा तो यह आंसर आवास है, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर ई डाल रखा है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, याद रखिए उपोत्पाद का मतलब है सहायक उत्पाद या उप उत्पाद, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मतलब पौधे ने सबसे शर्करा का उत्पादन करता है, जबकि इन्होंने क्या मुख्य उत्पाद है ऐसा नहीं पूछा है, उसने उप उत्पाद पूछा है, तो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा अपनी भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और अपना भोजन बनाती है, मतलब शर्करा बनाती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है, इसलिए आंसर इसका ऑक्सीजन होगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका आंसर आपका ई दिया है बीपीएससी ने। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है या अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, इस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। एड्स किसके कारण होता है, एड्स विषाणु वायरस के कारण होता है और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इस जिस वायरस के कारण एड्स होता है उसका नाम है HIV वायरस। दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक के लिए इसमें बीपीएससी के अनुसार आंसर है ई, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको आंसर मार रहे हैं वो गलत है, क्योंकि दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी
पर पहुंचने में कितनी समय लेती है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, इसलिए आंसर आपका होगा ई। साथ ही ये क्वेश्चन और याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? वह 1.3 सेकंड टाइम लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ दाब अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? यह विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि प्रतिबल, बल और दाब का मात्रक है। वायु में ध्वनि तरंग होता है, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? इसका आंसर आपको 122 डिग्री फारेनहाइट होगा। और ये भी याद रखिए क्वेश्चन, कि बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका, फारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। सिंपल सी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए फारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। हर्ज में हम क्या नापते हैं? हर्ज में आवृत्ति को नापते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। वाट इसका विद्युत शक्ति का इकाई है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान क्या होगा? उसकी द्रव्यमान संख्या के लिए आपको 18 प्लस 20 करना है, ये 38 उसका आंसर होगा। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आप ऐड कर दीजिए, या निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। याद रखिएगा, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, और उसे लाफिंग गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? एक गैस एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान 7 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, उसमें होगा एक से अधिक, आपको ई आंसर होगा, क्योंकि एक से अधिक होगा इसका घटक, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, इसलिए ई आंसर होगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है, जबकि कांच, मिट्टी और सीमेंट में उपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? या आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? इसका आंसर आपको 3 होगा, सी। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं, जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है? इस प्रश्न का नाम है तुलसी गबार्ड। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? देख लिया आपका चौथा बुक यहाँ जस्ट आ गया है, इसके रास्किन बॉन्ड का यह पुस्तक है, इसलिए मेरा बुक और राइटर का जो वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी आने वाला है, उसे ज़रूर देखिएगा। खुदरा फर्नीचर पर विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद में। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में।
और आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने के जश्न मनाया है, उसके 150 साल पूरा होने के जश्न मनाया है। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक तलाक के विद्वत को असंवैधानिक बता दिया था, ये 2017 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है, ब्राज़ील में, जो अब आयोजित हो चुका है, उस समय होने वाला था। मुकुट पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं, ये बने हैं सुरेश नामथ। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद की शपथ दिलाई, उस राज्यपाल का नाम था माननीय एपी शाही, उसका अमरेंद्र प्रताप शाही। जबकि आपको याद रखना होगा वीवीए क्वेश्चन है, अभी के टाइम में पटना हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस है इसका नाम है संजय कुरोल। संजय कुरोल अभी नवनियुक्त चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट का, और जो पटना हाईकोर्ट आने से पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यह 2012 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, वह राज्य बिहार है जिसे आज तक कभी प्रदान नहीं किया गया विशेष श्रेणी दर्जा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसे कहाँ दफनाया गया है, नालंदा में। मतलब यूसुफ शाह चक का मकबरा नालंदा में है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, विशफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, उत्तरी कोयल नदी पर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था, कैमूर का। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर, क्या कहें, किस देश को यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था, वह देश है भारत। भारत को ही यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था जिसका पाकिस्तान पुरजोर विरोध किया था। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह CNES फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के राष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था, यदि कि पराग्वे की राजधानी असनसियान है और उसका मुद्रा गुआरानी है, याद रखिए यह भी एक अफ्रीकी देश है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4वां सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया है, यह केन्या के राजधानी नैरोबी में किया गया। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया, याद रखिए कि यह दूसरा संस्करण था। मनोहर पाडिकर की जगह हाल ही में उसकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह प्रमोद सावंत को किया गया था और आज भी गोवा के CM अभी प्रमोद सावंत जी ही हैं। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है,
यूहो सासाकावा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया है स्थित है? याद रखिए यह ऊंट का अस्पताल दुबई में है। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, प्रथम, दुनिया में फर्स्ट, भारत में फर्स्ट, इस टाइप का 4 क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आ चुका है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 66वीं बीपीएससी के लिए, इसे ज़रूर देख के जाइएगा। और हम लगभग 100 नए में जो फर्स्ट स्थान पर पहुंचा है, पहला हुआ है या सबसे बड़ा हुआ है, उसका एक कलेक्शन लेकर के बहुत जल्दी आप सबों के बीच आ रहे हैं। यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? केंटो मोमोटा। 5 रैनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके मेंबर हैं भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और पांचवा कौन है? या पांचवा है आपका भूटान। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन हैं? स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? ये तो आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में रहने पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ये था मार्क हार्पर। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? वेनेजुएला में। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। और आपको बता दें कि आज अभी के टाइम में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है TS त्रिमूर्ति को, जो 1 मई की उनकी नियुक्ति हुआ है। और मैं डेली करंट अफेयर के 1 मई के जो मेरा वीडियो है उसमें डिटेल बताए हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे अभी देखना चाहे तो आप 1 मई का मेरा डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। वैसे याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। वैसे उसके लिए अलग अलग आंसर अलग अलग बुक में और अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, लेकिन BPSC ने आंसर भी दिया है दांडी। साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है CB कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं?
सुश्रुत, ये आपका आंसर होगा। और यह सुश्रुत जो हैं सो धनवंती के शिष्य थे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है उर्दू की तरह, या खगोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। बीपीएससी इसका आंसर ई दिया है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे, जहांगीर के नेतृत्व में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, शिवाजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, पुर्तगाली। और पुर्तगाली पहला यूरोपीय था जिसने भारत आया था। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या, यह आंसर 12 है, सी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, भीमबंध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। देखिए लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो जनगणना 2011 से रिलेटेड है, यह आपका आंसर होगा गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यहाँ पर 10:21 है, याद रखिएगा 10:21 है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, जहाँ 870 है। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्रों से घिरा है, यह पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, आंसर है आपका पटना। कई लोग भागलपुर ही बोलते हैं, कई जगह भागलपुर भी लिखे थे, लेकिन बीपीएससी ने उसका आंसर पटना दिया है। याद रखिएगा पटना में सबसे लंबी गंगा नदी बहती है, पटना डिस्ट्रिक्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगा कि ये क्वेश्चन भी जनगणना से ही आया है। और यदि जनगणना से यदि कोई डाउट हो या रिवीजन करने की ज़रूरत हो, तो जनगणना पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूँ कि जनगणना 2011 का जो मेरा वीडियो है, उसमें प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी कलेक्शन है, वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं वहाँ। चलिए इसका आंसर बताते हैं, सर्वाधिक घनी आबादी जो है शिवहर में है, याद रखिए वहाँ 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सबसे कम कैमूर में है, जैसे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, वह देश है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश यह रूस है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, वह इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप है, जहाँ पर 6,000 ऐसे द्वीप है जहाँ जो मानव के रहने के लायक है और मानव रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, वह देश है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, वह देश है आपका कजाकिस्तान। जबकि सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है, जबकि यूरेनियम का सबसे बड़ा सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी इनमें से कौन है, कार्डेमम पहाड़ी, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, या उत्तरी कोयल नदी है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, या देखिए कहाँ नहीं है,
यह गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। उसके बाद कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन तीनों में नील की बागान है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? याद रखिए यह मध्य प्रदेश है, यह राज्य मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ नहीं पाई जाती है? याद रखिए कोरल रीफ नहीं पाई जाती है, ये कैम्बिया की खाड़ी में कोरल रीफ नहीं पाई जाती है, प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। जनरली प्रवाल भित्ति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? यह जैन धर्म है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जुड़ी नदी नहीं है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी जनजाति और राज्य का जो जोड़ा लगाया हुआ है वो गलत है, सही नहीं है। इसका आंसर होगा आपको डी, टोडा केरल का निवासी नहीं है। टोडा जो है तमिलनाडु का निवासी है, वे टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और भील गुजरात में है, ये सही है, और गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और कोटा तमिलनाडु में है और टोडा भी तमिलनाडु में ही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? यह औद्योगिक गलियारा है दिल्ली मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यह रोहतास नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा है। ये 150 क्वेश्चन है, या अभी हम बीपीएससी में 65वीं बीपीएससी के टोटल 150 क्वेश्चन का हम स्टडी किए हैं, उसका आंसर उसका देख चुके हैं, अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लास्ट में देखते हैं। आपको ये पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी 65वीं का प्री का रिजल्ट आया है, जिसमें जो कटअप अलग अलग गया है इसको देखते हैं। वहाँ अनरिजर्व जनरल का कटअप 97 मार्क्स पर गया है, अनरिजर्व फीमेल का कटअप गया है 91 पर, ईडब्ल्यूएस का 82-87 उसको छोड़ दीजिए, एससी का गया 89 पर और एससी फीमेल का 79 पर और एसटी का 89, ईबीसी 92, ईबीसी 96, बीसी 94। तो चलिए पहले यहीं से हम देखते हैं, सारे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कटअप 97 मार्क्स लिया है। हम सिर्फ ये सोचें कि 97 प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर करें 66 बीपीएससी के लिए। एक्चुअली हमारी प्लानिंग कम से कम तो ये है 97 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए, और यदि एक उसके यदि आप स्कोर करना चाहते हैं उसका एक सिंपल तरीका है, जस्ट मैं आपको नीचे भी और एक और इमेज है उसको देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। हिस्ट्री से जो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो अभी जो क्वेश्चन देखे हैं 65वीं बीपीएससी के उसका एनालिसिस देखिए, इसमें 28 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे हैं, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे हैं, 11 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे हैं, 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से पूछे हैं, 24 क्वेश्चन जनरल साइंस से हैं, 26 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, 9 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री, 7 क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी, 3 क्वेश्चन बिहार पॉलिटी, 2 क्वेश्चन बिहार इकोनॉमी और 1 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर। यदि हम बिहार के टोटल क्वेश्चन को ऐड करें तो ये होता है आपको 22 क्वेश्चन, 22 सिर्फ बिहार से पूछा गया है। और उसमें आपको आप सोचिए बिहार के स्टडी आप कर लेते हैं तो 22 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाता है। इस फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिए, आपको बीपीएससी के पेपर देना है तो बिहार का सही से स्टडी कीजिए, बिहार के बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए, क्योंकि वहाँ से 22 क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आया है, तो उम्मीद करते हैं उसी के आसपास में 66वीं में भी आएगा क्वेश्चन। अब लास्ट के देखते हैं,
एप्टीट्यूड और रीजनिंग जिसे मैथ बोलते हैं, मैथ से 10 क्वेश्चन आया है, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। यदि आप पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई स्टूडेंट जस्ट तैयारी करने वाला है या जस्ट किए हैं और उसे ये लगता है कि आने वाले 86वीं बीपीएससी तक हमारा प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा, हम पूरी सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। आप सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ें, 4 सब्जेक्ट पढ़ें और आपका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको उन चारों टॉपिक का नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बिहार को पढ़ लें, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है किसी भी बुक से आप बिहार का पढ़ें, जहाँ से पिछली 65वीं बीपीएससी में 22 क्वेश्चन आया है। उसके बाद करेंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़ें, वहाँ से 26 क्वेश्चन पूछा गया है और मैं करेंट अफेयर्स का डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली करेंट अफेयर्स का। उसके साथ साथ मैं मंथली वीडियो भी बनाता हूँ और पीडी का भी समरी मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो आप यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल से देखते हैं, तो आप करंट का टेंशन छोड़ दीजिए, करंट के लिए मैं आपको पूरी तरह तैयार कर दूंगा। ले 26 क्वेश्चन करंट से हो गया। उसके बाद हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिए, हिस्ट्री से 28 क्वेश्चन आए हैं, 3 तो आपका ही हो गया। अब आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ से लगभग सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, 13 ज्योग्राफी से, 10 पॉलिटी से और 11 इकोनॉमी से। आपको उनमें से जो अच्छा लगता है कम से कम एक आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यहाँ से 13 क्वेश्चन आ जाएंगे। सिर्फ 4 सब्जेक्ट है, इसका टोटल होता है 89। आपको इन 4 टॉपिक सिर्फ पढ़ना है, वहाँ से 89 मार्क्स आपको आ गए हैं। और मैक्स आपको प्री क्लियर करने के लिए चाहिए कितने, 97 प्लस। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन जो मैथ का है उनमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ से नहीं आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, इतना आसान आता है कि थोड़ा सा आप मैथ पर मेहनत कर ले, जो मैथ से स्टूडेंट है, जो SSC बैंक या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो तो बिना मेहनत की यहाँ पर 10 में से 9 कर सकते हैं। और यदि जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी थोड़ा सा यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से कर लेते हैं मैथ को तो आपको हो जाएगा 99 प्लस मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। तो इसलिए यदि आप नए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी या जस्ट शुरू किए हैं, तो आप इन 4 टॉपिक का स्टडी कर लीजिए सही से, आपका बीपीएससी का प्री अवश्य क्लियर हो जाएगा। साथ ही और रही सवाल, ये 4 टॉपिक के साथ साथ 4 और टॉपिक, जो सिर्फ 4 टॉपिक का मतलब है 2 घंटे से भी कम, यदि आप पूरी 2 घंटे से कम, उम्मीद है जून जुलाई में आपका बीपीएससी का प्री होगा, उससे पहले सिर्फ 2 घंटे टाइम और दे देते हैं तो आपके 5 से 10 मार्क्स यूँ बढ़ जाएगा, आपको आसानी से आ जाएंगे। आपको इसके लिए मैं बता देता हूँ, जनगणना जैसे 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी दोनों में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनगणना बिहार और भारत और जनगणना विश्व और भारत पूरी लगभग, यदि एक वीडियो 20-20 मिनट का लगभग वीडियो है, 20 से 40 मिनट का दोनों वीडियो हो गया। अब मेरे दोनों 40 वीडियो के मिनट के यदि वीडियो देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो एग्ज़ाम बीपीएससी हो या बिहार की कोई अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC हो, SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। उसके साथ साथ बुक और राइटर से 5 क्वेश्चन पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में, इसलिए उम्मीद है यहाँ से 66वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जहाँ से हो सके, जितना हो सके, बुक और राइटर का नाम आप याद करें, रट जाएं। और मैं इसके लिए बहुत ही जल्द बीपीएससी में पूछे गए बुक और उसके राइटर, साथ साथ अदर एग्ज़ाम SSC NTPC या रेलवे या दूसरे किसी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, सिर्फ उसका कलेक्शन लेकर के मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा।
साथ ही फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म पूछा है पिछले एग्जाम में भी, एक फुल फॉर्म पूछा है 65वीं में भी, एक फुल फॉर्म पूछा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और गठन, स्थापना और संस्थापक से रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछा है, तो जहाँ से भी हो सके जैसे भी हो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर रटें, जरूर याद करें। साथ ही प्रथम, दुनिया में फर्स्ट क्या है, दुनिया में ऊंट के लिए फर्स्ट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए यहाँ से 65वीं BPSC में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है 66वीं में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लूसेंट से पढ़ते हैं या अदर बुक से जिससे भी आप पढ़ते हैं वहाँ से इस ट्रेडिशनल क्वेश्चन को आप पढ़ें। साथ ही मैं करेंट में जो टॉपर्स बने हैं, फर्स्ट रैंकिंग आया है या लास्ट है या सबसे बड़ा हुआ है, मैं उसका 100 क्वेश्चन का एक कलेक्शन लेकर के आऊँगा जो रिसेंटली हुआ है, जिसको आप करेंट भी समझ सकते हैं या आप साल भर के अंदर की है और ट्रेडिशनल में भी आपसे ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।